ये मोतीलाल नेहरू फ्रंट इस तरह व्यू आता है आसपास का, देख लीजिए। ये यहाँ के करता धरता है हमारे, और यहाँ का ये रोड है, इस तरह का व्यू आता है यहाँ पर। हालांकि रोड बन जाएगी, बन रही है रोड कुछ इस प्रकार है, अंदर जाने के लिए दिखता है। दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग एंड इज माई फ्रेंड नितिन निर्मल जिगरी आरा। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि हमारे ही शहर में यूपी रायबरेली में है, और काफ़ी डेकोरेट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, बैडमिंटन, एक तरह से यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है। तो इधर हमारे ज़िले में रायबरेली में ये टूर्नामेंट मैच होने जा रहा है बहुत ही ज़ोरों शोरों से, और ये रात में 10 या 11 बजे तक लगभग चलेगा। ये हमारे ज़िले की तरफ से सब वो करवा रहे हैं, हर साल होता है ये, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट भाग लेते हैं इसमें। ये देखिए भीड़ लगी हुई है, अभी और भीड़ बढ़ेगी जैसे जैसे रात होगी, अभी तो स्टार्टिंग है। ये देख रहे हैं आप लोग गाइस, ये देखिए वही हम लोग आज देखने आए हैं। काफ़ी दिन बाद हम लोग आए स्टेडियम, तो काफ़ी डेकोरेट भी हो गया है। देखिए बच्चे मैच भी खेल रहे हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे, आप कितने दिन बाद आ रहे हैं? अरे एक साल हो गया हमको भी यहाँ, एक साल समथिंग, मेरा भी, मैं भी जनवरी में आया था तब यहाँ पर इतना नहीं बना था। आज लेकिन निकला हूँ तो काफ़ी दिन बाद अच्छा लगा देख के, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अब हम लोग तो बच्चे रहे नहीं, अपनी अपनी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ जीवन में सफलता पानी है, बस रोज़ का वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। अब ये दिन तो चले गए हम लोग के, अब तो बस वही नौकरी। तो हम लोग ने सोचा चलो कुछ बना लिया जाए आज। और कुछ आप बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस? बस एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ कुछ खेलते ही नहीं, कभी कुछ नहीं खेला। चलिए कोई बात नहीं, चलो ओके बाय, जय हिंद जय भारत।